मौसम के हालात बिगड़ रहे हैं, मौसम बद से बदतर होते जा रहा है। आपने देखा कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर भी, कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स पर भी कि गुजरात के अंदर इस समय जिस तरीके की बारिश और साइक्लोन की डिस्टर्बेंसेस बताई जा रही है, उसकी वजह से जितनी भी अथॉरिटीज़ है वो सब स्टैंड बाई पर है। किसी भी टाइम पर कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर टूट सकता है। साइक्लोन की वजह से बहुत सारी टावर्स जो हैं वो गिर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके के हालात गुजरात में अभी हैं, उस पर एक बहुत ज़बरदस्त खबर जो है सर्कुलेट हो रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो ओरखा का है और इस पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की लहरें जो हैं कश्ती के ऊपर से गुजर रही है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि ये साइक्लोन जो गुजरात में है, GSDAM यानी कि गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ डिप्लॉयड 6 HAM रेडियो टर्म्स। ये HAM रेडियो टर्म जो है ये आपको उस समय काम आएगी जब आपका मोबाइल इंटरनेट जो है बंद होगा, मोबाइल रूट जो है बंद होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन जो है आपका बिल्कुल ज़ीरो होगा। ये HAM जो है ये आपको मदद करेगा एक दूसरे तक बात पहुंचाने में, कम्युनिकेट करने में। ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन व्हेन कन्वेंशनल कम्युनिकेशन मेथड सच एज वायरलेस एंड मोबाइल फोन्स बिकम अनरिलायबल, क्योंकि इस साइक्लोन की वजह से हो सकता है बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क्स जो है वहाँ पर टावर्स जो हैं वो टूट सकते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल मेरे सामने भी देख सकते हैं यहाँ पर टावर है, हो सकता है कि ये टावर जो है उस समय टूट जाए। तो गुजरात अथॉरिटी जो है वो ये सोच रही है कि किस तरीके से हम लोगों को बचा सकें, लोगों पर सहायता कर सकें। NDRF की टीम, SDRF की टीम, सब टीम जो है स्टैंड बाय पर रखी है। GSDAM has deployed 6 team with HAM radio units with the impact of the cyclone likely to be the most. On them, 2 are in Dr. Kaushal Jaini, HAM radio operator of JSDAM. यानी कि गुजरात के डॉक्टर कौशल जैनी जो हैं, जो ये सारा मामला देख रहे हैं, साइक्लोन की वजह से जो इम्पैक्ट गुजरात में हो सकता है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो सरकार की तरफ से जितनी भी कोशिशें जारी की जा सकती है वो जारी कर रहे हैं। और दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज क्वाइट यूजफुल इन सच डिज़ास्टर, उन्होंने कहा है। कौशल जैनी का ये कहना है कि ऐसे डिज़ास्टर को रोकने के लिए जब आपको ये मालूम होता है कि आपके तमाम इंटरनेट जो हैं बंद हो सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन्स बंद हो सकते हैं, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय HAM रेडियो, रेडियो के जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उस समय की जब आप तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आपको यहाँ से मिलेंगे। अब आपने स्टैंड बाई पर तमाम सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएँ हो सकती थी वो सारी ली है। क्या सही मायनों में गुजरात की सरकार, अ मोबाइल HAM यूनिट हैज आल्सो बीन डिप्लॉयड इन जाकू एरिया, बहुत सारे एरियाज जो हैं, ये सिर्फ एक एरिया नहीं है। ये वीडियो जो आप हमारे कश्मीर क्राउन के पेज पर देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हालात जो हैं, मौसमी हालात जो हैं, बहुत बदतर होने वाले हैं, बद से बदतर होने वाले हैं। क्योंकि आपने परसों देखा कि किस तरीके का एक हल्का सा झटका, 5.4 मैग्नीट्यूड का झटका जो बलेसा गुंदो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ ठाठरी के इलाके में हुआ, जहां पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बोंजवा और भलेसा में हुआ और भद्रवा के भी कई ऑफिसेज और घर जो हैं वो क्रैक हो गए। इस पर डेप्यूटी कमिश्नर डोडा, डेप्यूटी कमिश्नर जो है किश्तवाड़, वो गए मौके पर, उन्होंने देखा। अब किस तरीके का कंपनसेशन उनको मिलता है ये तो देखने की बात रहेगी, लेकिन साइक्लोन से बचने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो है वहाँ पर HAM रेडियो के जरिए लगाया जा रहा है। और अथॉरिटी जो है गुजरात की वो पुरजोर कोशिश करेगी कि सुविधा जो है लोगों तक वो पहुँचाई जाए। इंट्रेंस में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो चिंता छोड़िए, अब देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आपके साथ। तो अब ना कोई एंट्रेंस एग्जाम की चिंता, ना कोई एडमिशन की फिक्र, डायरेक्ट एडमिशन पाएं अपने UG और MPG प्रोग्राम जैसे बैचलर ऑफ मेडिकल लैब, बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर, बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिन टेक्नोलॉजी और भी कई तरह के कोर्सेज के लिए। देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अच्छी आएं और एडमिशन कराएं 2023 से 2024। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9419234559, 9682666329। एड्रेस नियर TK कॉलेज लोयापुरा श्रीनगर,